नल्ले ने तो शादी कर ली लेकिन अभी तक आया नहीं। आज मेरे सुहागरात थे पर पता नहीं ये कहाँ है। अरे तू वो शाही, कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? दारू पीना मार गया शाहिद। तू अभी भी मेरे घर आ जा, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे घुटन होता है। मेरी जान, तेरे बिना मेरा भी दिल नहीं लग रहा। अरे मेरा बस चलता ना तो मैं तेरे साथ कब के शादी कर लिया होता। मगर तेरी लालची बाप को कौन समझाए। तेरे बाप को तो 5 लाख दिख रहे थे ना, 5 लाख रुपए। अब क्या करूँ उसमें मैं? देखो, अब मेरे बाप ने जो किया सो किया, भले उसने मुझे 5 लाख में बेच दिया, लेकिन हाँ मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। तुम कुछ भी करके आओ और मुझे यहाँ से लेके जाओ। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं जान दे दूंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो क्या करूँ मैं? जिंदगी भर इस कैद खाने में पड़ी रहूँ? मुझे मरना मंजूर है लेकिन जिंदगी भर इस कैद खाने में मुझे नहीं मरना। प्लीज यार, तुम मेरी खुशी के लिए प्लीज तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना प्लीज। तुम समझ गई ना? चाची, कैसी हो चाची? मैं अच्छी हूँ। वो गर्मी बहुत है ना, तो अभी आपके लिए इसीलिए ठंडा लेके आया हूँ। लीजिए। अरे सारी बातें खड़े खड़े कर लोगे क्या? बैठो ना, आप बोलो। चाची, आपको खाने में क्या पसंद है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है ना चाची, सुबह का खाना हम ही बनाते हैं। अच्छा? इसलिए। घर का इतना सारा काम पड़ा है, तू यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रहा है? ओ, क्या है ना चाचा, गर्मी बहुत हो रही है ना, इसलिए चाची के लिए कोल्ड ड्रिंक लाए थे। तो कोल्ड ड्रिंक रख कर चला जाता, चिपक कर बैठ कर गप्पे क्यों मार रहा है? आप इसे क्यों डांट रहे हो? वो तो मैंने इसे बिठा लिया था। अब टुकुर टुकुर मुझे देखता रहेगा? जा यहाँ से, अपने काम कर, निकल यहाँ से। साला एक तो इसका बाप मर गया और इस कचरे को मेरे सर पे छोड़ गया। क्यों डांट रहे हो आप बेचारे को? उसने मेरे पास बैठ के ऐसा कौन सा मुसीबत खड़ा कर दिया? देखो, ये मेरा निजी मामला है और मुझे मेरे पर्सनल मामले में किसी से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को कभी मत भूलना कि मैंने तुम्हारे बाप को पूरे 5 लाख रुपए देकर तुमसे शादी की है। इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? छोड़िए हमें। मैं वही कर रहा हूँ जिस काम को करके मुझे खुशी मिलती है। सिर्फ कॉफी? मैंने बोला था ना ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए, कहाँ मर गई? ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। जी आई। खुशी कहाँ मर गई? जी, ये क्या सिर्फ कॉफी पीकर जाऊंगा मैं ऑफिस? ऑमलेट कहाँ है, ब्रेड कहाँ है, नाश्ता कहाँ है प्रॉपर? मैं लेकर आती हूँ। जाओ मेरे ऑफिस का बैग लेकर आओ, लेट हो रहा है। जी, जी ये लीजिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? लेट हो रहा है। गुड्डू ऑफिस के लिए तैयार हुआ या नहीं? जाओ जाकर देखो। हाँ जा रही हूँ। गुड्डू। चाची, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। काम की नकाज की दुश्मन अनाज की, इतना लेट हो रहा है। मैं ही देखकर आता हूँ ये गुड्डू भी तैयार हुआ कि नहीं। गुड्डू अभी तक सो रहा है, ऑफिस के तरह बाप जाएगा। चाचा, वो मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है। एक नंबर का कामचोर है, बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। नहीं, ये सच कह रहा है, इसको बहुत तेज बुखार है। जरा सा ऑफिस में काम आया नहीं कि नाटक चालू, बुखार हो गया, बदन दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, दुनिया भर के कामचोर मेरे मत्थे आ गए। ये लो पैसे, दवाई खा लेना और ऑफिस आ जाना,
मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये रखो पैसे, दवाई लेकर आओ और हाँ आराम कर लो, फिर ऑफिस चले जाना। ठीक है चाची। चाचू को बता देंगे। नहीं चाची, चाचू को आप कुछ नहीं बताइएगा चाची। नहीं चाची। तो फिर जाओ यहाँ से, वरना हम उन्हें ये कह देंगे कि हम कपड़े बदल रहे थे और तुम छुप छुप के देख रहे थे, और फिर तुम्हें पता है ना चाचा तुम्हारी क्या हालत करेंगे। चाचा को कुछ मत बताना चाची, प्लीज प्लीज। चाची, चाचा को बताने के लिए हमारे पास एक बात है। क्या कहना चाहते हो? हमने स्वागरात की सारी बातें सुन ली हैं। कौन सी बातें? यही कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भागना चाहती हो, चाचा के चंगुल से आजाद होना चाहती हो। हाँ, मगर तुम अपने इस खूबसूरत शरीर से हमें खुश करती रही, तो हम तुम्हें वादा करते हैं तुम्हें चाचा के चंगुल से आजाद करा देंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे सच में अपने चाचा के चंगुल से आजाद कर दोगे? हाँ चाची, सच में, सच में। हाँ। जी चाचा जी। कहाँ रह गए थे यार? गाड़ी में मेरा सामान रखा हुआ है, जाओ लेकर के आओ। और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चाची को बोलो जल्दी मेरा खाना लगाए, लेट नहीं होना चाहिए, समझे? जी जी चाचा जी। ठीक से समझे? हाँ जी। जाओ जल्दी जाओ, आप बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाइए, मैं चाची को बोल के खाना लगवाता हूँ। लेट नहीं होना चाहिए। जी चाचा जी। चाची चाची चाची, चाचा आए हैं, बहुत भुखाए हैं। तो क्या करें? आप जरा संभल के रहिएगा, कहीं पलंग ना तोड़ दें। पेटीकोट का नाड़ा तो उनसे खुलता नहीं, पलंग का खाक तोड़ेंगे। अरे कहाँ मर गए तुम सबके सब? आओ आकर के मुझे उठाओ, कमर टूट गया। क्या हो गया? अरे उठिए, आराम से, ठीक से चलिए, आराम से आइए। कैसे गिरी है?
डॉक्टर साहब वॉशरूम गए थे, पैर फिसल गया। अभी मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी इनको आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब चाचा जी कब तक ठीक हो जाएंगे? कुछ नहीं, अंदरूनी चोट है बस, 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। अभी मैंने इन्हें दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? और आप ये दवाइयाँ जो हैं मार्केट से ले आइएगा, ये लीजिए। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए चाची। ना बने इसलिए तो मैंने उन्हें बेड रेस्ट पे भेजा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बाथरूम के फर्श पर मैंने ही तेल डाला था, तभी तो फिसल गए। बड़े कमीने हो तुम। वो तो मैं हूँ, इसमें कोई शक? बस तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहो, मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास पहुँचा दूंगा। सच? हाँ। अरे आप तैयार हो रहे हैं? ये दवा नहीं खाऊंगा मैं, ये दवा मैं जा रहा हूँ दूसरे डॉक्टर को दिखाने। 10 दिन हो गए इस दवाई को खाकर, कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं हो रहा है। गुड्डू ऑफिस गया क्या? जी, लेकिन आप इस हालत में जाएंगे कैसे? मैं चला जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो, तुम यही रुको, मैं जा रहा हूँ दूसरे डॉक्टर को दिखाने। रुको, तुम यही रहो। अरे इसमें किसी न किसी की चाल है, मैं सब समझता हूँ, मैं डॉक्टर से खुद मिलूंगा, खुद चेक कराऊंगा। आखिर क्या माजरा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, हमेशा बीमार रहूंगा क्या? मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलने, तुम मत आओ, मत आओ मेरे पीछे। हाँ हेलो। हाँ गुड्डू, कहाँ है तू? मैं तो ऑफिस में हूँ। सुन, तेरे चाचा डॉक्टर से मिलने गए हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि तूने दवाइयाँ बदल दी हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज तू जल्दी से आ जाओ, तब तक मैं शाहिद को फोन करती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे आज ही यहाँ से भागना होगा। आ रहे हो ना तू? हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ मैं। शाहिद, तुम जहां भी हो मुझसे मिलो, मैं घर से निकल रही हूँ, लेट मत करना वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। चाची, आप तैयार है ना चाची? हाँ गुड्डू, हमें कैसे भी करके शाहिद तक पहुँचा दो, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। ओके रिलैक्स चाची, आप रेडी है ना? चलो चलो चलो। चलते रहो, चलते रहो।
जल्दी चलो जल्दी। क्या हुआ? हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम शहर के रास्ते से भी तो जा सकते हैं ना। अरे शहर के रास्ते से चाचा जी मिल जाते तो, और एयरपोर्ट का रास्ता भी तो इसी जंगल के बाहर है ना। तुम सही कह रहे हो, और शायद भी तो हमें एयरपोर्ट के पास मिल जाएगा। हाँ। चलो चलो चलो। कमीनी औरत, धोखेबाज, मेरे घर का रुपया पैसा चुरा कर मेरे भतीजे के साथ भाग रही है। तूने क्या सोचा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बेवकूफ हूँ मैं? आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसने आपकी दवाइयाँ बदल दी थी। और जब इसको पता चला कि ये रात सबके सामने आ जाएगा तो ये मुझे भगा कर ले जा रहा था। आप देखिए इसने मेरा हाथ पकड़ा है। चाचा ये झूठ बोल रही है चाचा। आस्तीन के सांप, नमक हराम, अपने चाचा के घर में डाका डालता है तू? नहीं नहीं चाचा, जैसा आप सोच रहे गलत सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं चाचा। मेरी बात सुनिए चाचा। अब ऊपर जाकर ऊपर वाले को अपनी बात समझाना। बच्चलन मक्कार, अब तेरी बारी है। तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? अरे मैं लेट हो रहा था, तो मैं इस रास्ते से आ रहा था, तो मैंने देखा तुम्हें मारने वाला था। तुम ठीक हो ना? चलो चलो। बैग। ला मुझे दो, जल्दी चलो यहाँ से।